देखिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ पथलैया से, अभी बोल रहा हूँ। देखिए हाईवे रोड है, यहाँ पर गाड़ी चल रही है। यहाँ पर देखिए बहुत कस के काफ़ी घाम लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड सब, साथी सब, दाई सब यहाँ पर ताश ताश खेल रहा है। बहुत गर्मी है। देखिए आप बना रही हमारे यूट्यूब चैनल पर, देखिए कितना घाम है। हेर्नुस साथीहरु, म पथलैयाबाट बोल्दैछु। हेर्नुस धेरै घाम छ यहाँ। हेर्नुस बरगदको रुखमुनि चाहिँ धेरै साथीहरु बसेको रहेछ। यहाँ चाहिँ तास तास खेल्दै रहनु भएको छ। सबै साथीहरुले हेरिहालौ मेरो भिडियो और आनन्द उठाउनुस। कति राम्रो छ, हेरिहालौ सबै साथीहरु। पथलैया मैं सिटी में आ गया हूँ, माछा व्यापार में। देखते चलिए हमारा काल बा साहब जी, व्यापार चला था कि डाउन बा? ये टिकटॉक बा, यूट्यूब बा, टिकटॉक नहीं है। हाँ साहब जी, निकल जा का समाचार बा? लाइव हो। हाँ देखिए अभी गाड़ी खराब हो चुका है, 220 गाड़ी गर्म के कारण से खत्म हो गया है। देखिए बना था, क्लच प्लेट खत्म हो गया है। इसको क्लच प्लेट डालेंगे तो गाड़ी फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ साहु जी हुए देखे हुए, देखिए साहु जी है, बहुत गर्म है साहु जी की ना। कैसा है अभी आपको बिजनेस व्यापार? अभी तो डाउन होगा ना गर्मी में, कि चल रहा है अच्छा से? अच्छा है। देखिए आपको तो बिजनेस न सरने वाला है, नहीं गलने वाला, तो आपको तो अच्छा से चलबे ही करेगा है ना। अरे दिमाग है, देखिए कितना गाड़ी लगा हुआ यहाँ पर, सब गाड़ी मरम्मत होने वाला है। देखिए ओ ठाकुर जी, देखिए अब थोड़ा एसी रूम में ढूक रहे हैं। देखिए ये सैलून है, थोड़ा एसी में जा रहा है, बहुत गर्म लग रहा है। आयो दादा, देखिए ये ठाकुर जी बैठे हुए एसी में हवा खा रहे हैं। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं हम सैलून में से। देखिए यहाँ पर ठाकुर जी बैठे हुए हैं, आए हैं हम बिजनेस व्यापार में, मछली लेकर बेचने आए हैं। लेकिन इतना कस के धूप है, गर्म है, तो देखिए ऊपर एसी लगा हुआ है। देखिए एसी में हम हवा खा रहे हैं, हवा खाने के बाद थोड़ा ठंडाएँगे, आराम करेंगे, फिर अपना बिजनेस व्यापार में जाएँगे। पता नहीं लगता ये साल में कितना धूप है, गर्मी है। साहु जी, ओ साहु जी मछली ले लीजिए ना, बीजेट है, छड़ी है, काहे झांपा रहे? बहुत गर्मी है मछली जी, अब खाने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? बहुत गर्मी है ना अभी। गर्मी है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो पुराने का कहानी है। 24 घंटा गर्मी है तो कोई बात नहीं है, एक छाक एक बार मछली खाने से गर्मी हो जाएगा। देखिए बोलते हैं गर्मी है, अभी गर्मी है, थोड़ा सस्ता कर देंगे तो सब गर्मी चला जाएगा है ना। सस्ता रेट लगाएंगे तो कहेगा अच्छा है, गर्मी नहीं, ठंडा आ गया है, नहीं खाएंगे। देखिए साथी सब, कोई भी बिजनेस व्यापार में मंदा चल रहा है? मंदा तो नहीं है, ठीक है, ठीक चल रहा है। जो अपना पहले से रेट बेच रहे वो बेच बोलेंगे तो कहेगा नहीं नहीं आज नहीं खाएंगे, पैसा नहीं है, तैयार है तो आएंगे। और थोड़ा रेट आप कम कर दीजिएगा ना तो कहेगा हाँ हाँ गर्मी नहीं है, सब धूप खत्म हो जाएगा। देखिए मैं अभी निकल रहा हूँ, ले लो क्या हो, पेशन के मछली खाता रहो, ओरिजिनल का। हाँ खाता, देखा बहुत अच्छा मछली है, देखिए ना, देखिए ना अच्छा मछली। हाँ टिकटॉक बन रहा है, देखो देखो मछली का बाजार लगा हुआ है, अजय देवगन का स्टॉल में, वो भी अमलेसन में, आप लोग खरीदारी कीजिए। अब हमारा यूट्यूब चैनल पर बना रहिए, बोलेंगे अच्छा मछली है। देखिए साथी मैं आप सबको मछली दिखाता हूँ, बहुत अच्छा है, यहाँ पर ग्राहक सा लगा हुआ है, लगता है कि आज व्यापार अच्छा से होगा। देखिए कितना ग्राहक सब है, मिला जुला कर मैं दे रहा हूँ सस्ता रेट में। छली भी है, छोटा वाला भी मछली है ना, 5 किलो मछली देखो, कितना 5 किलो देखो,
पाँच किलो खा जाए। देखिए दो किस्म का मछली है, ये भी मछली है, छड़ी मछली है। बढ़िया दिन भाई, ये देखिए बाबा नायक भी आ गया है, मछली लेने के लिए बाबा नायक। मछली बढ़िया बा, जिंदे मछली रेट में तो निकल के भाग गए, कढ़ाई में छल भाग गए, गरम तेलों में डाला था तो कूद गया था मछली। देखिए भाई कह रहा है गरम मछली जीते मछली है, बहुत ताज़ा फ्रेश मैंने मछली बेचता हूँ, सस्ता रेट में भी बेचता हूँ। मछली नहीं ना, नहीं माछा 200 मात्रा हो, क्या किया जाए। देखिए अब चारों तरफ का ये धूप कितना है। अमलेशगंज में मैं आया हूँ, यहाँ बाइक भी बन रहा है, गर्म से बाइक भी बिगड़ रहा है। तुमसे खाना सब्जी ले लूँ 1 किलो? आज भी नहीं होगा, नहीं आ जा। हेलो दोस्त, आप सब देख रहे हैं, मैं हेठौरा के सानो पोखरा से बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर काफ़ी रह सियाऊ है, आप है, सुंतला है, बहुत किस्म का सामान सब बिकाता है। ये सब्जी है, सब्जी कैसे बिजनेस पे बारा भी एकदम बच रहा है। क्यों आदमी नहीं आता है तो कचरा, पास को बोलिए ना, आदमी नहीं आता है तो कचरा होगा। कहाँ से आप? सानो पोखरा से बोल रहे हैं? यहाँ साउजी आई सकू माछा लिना सर कछा दिन पर्यटन सर। यहाँ पनि छ त, यहाँ कति भिड छ, यहाँ भिडभाड छ, मेन चोक छु म, सानो पोखराबाट बोलिरहेछु। हेर्नुहोस् ये साथी सब, मैं मछली बेच रहा हूँ। देखिए मैं मछली बेचते बेचते आप सबको भी बहुत बहुत ठाउँ देखाता हूँ, बहुत अच्छा देखाता हूँ, आप सब देखते थे। 350 यो हेर्नु चाहिँ बजेट मछा 350 होइन टिटो बनायो भने यस्तै हो मात्र। हेर्नुहोस् माछा कस्तो कस्तो माछा छ, राम्रो छ माछा। हुँदैन हुँदैन दिदी, बर्बाद हुँदैन हो, लिहालु राम्रो माछा, फ्रेस माछा एकदमै। 200 ठुलो 350 यो बिजेट सिल्भर होइन कि काँटा वाला, यो सिल्भर होइन बिजेट हो, बिजेट बी ग्रेड भन्छ। 350 हो, 1 किलो लिन्छु, घाटा लाग्छ, घाटा लाग्छ बाबु, बाबु भनेर हुन्छ। अब हामीले पनि मैले माछा जहिले पनि लिन्छु त, 250 दिन्छु ल, 250 1 किलो बढी हुन्छ, 1.25 किलो माछा हुन्छ। हेलो दोस्त, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। अभी सुबह का 7 बज रहा है, आप सब कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे होंगे, हमारे दिल से शुक्रिया है आप सब। हमने मैं प्यार दिया है यूट्यूब पर, उसके देख के दिल से शुक्रिया देना चाहता हूँ। मैं अजय देवगन सहनी नेपाल से बोल रहा हूँ। जितना भी साथी है, बाकी साथी आदमी सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा हमको भी मैं प्यार दीजिए, थोड़ा थोड़ा कम मिला है मेरा प्यार, आप सब मेरा प्यार दीजिए। अब हमारा यूट्यूब चैनल पर बना रहिए, लगभग 5-6 महीना हो गया है हमारा यूट्यूब चैनल खुला हुआ, अभी नया नया है,
आप सभी सब साथी में शेयर कीजिए, जितना भी साथी देख रहे हैं हमारे साथी सब एडियन सब साथी सब हमारा वीडियो को फुल वॉच कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमको भी थोड़ा आगे बढ़ाइए। मैं तो टिकटॉक चला रहा था लेकिन टिकटॉक से मन पूरा हो गया, इसलिए साथी सब मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत दुख कर रहा हूँ अपन काम धंधा छोड़ के, अपन बिजनेस व्यापार छोड़ के मैं ये यूट्यूब पे लगा हूँ। थोड़ा हमको भी आगे बढ़ा दीजिए, क्या करें, बहुत मैं दुखी हुआ आज। साथी सब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट कीजिए यार, सपोर्ट कीजिए प्लीज यार, मैं बहुत दुखी हूँ यार, आज मैं बहुत दुखी हूँ। आप सभी नया प्यार दीजिए प्लीज यार, और थोड़ा हमको भी सपोर्ट कीजिए, क्या बताएं, लगभग लगभग 5 महीना हो गया यार, क्या बताएं यार, मन नहीं लगता है बस, क्या बताएं, को भी नया प्यार दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अरे भाई की कोई भी आदमी को, छोटा आदमी को सपोर्ट कीजिए, आप सब जितना भी यूट्यूब पर वायरल हुए हैं वो आदमी सब को आप वीडियो देख रहे हैं, छोटा आदमी को वीडियो देख नहीं रहे हैं, कोई भी आदमी को, भूखा आदमी को खाना, जैसे कि भूखा आदमी को खाना खिला देते हैं ना, खिला देते हैं, तो सबसे बड़ा धर्म होता है। या क्या कोई भी बड़ा आदमी को इस दुनिया में जो बना हुआ रहता है, जो बड़ा आदमी होता है उसको भी सपोर्ट करता है, जो बना हुआ है आदमी को उसी को भी सपोर्ट करता है, लेकिन जो छोटा आदमी है, छोटा यूजर है, छोटा भी हमारा यूट्यूब चैनल अभी खोले है लेकिन हमारा नया प्यार नहीं मिल रहा है, लेकिन आप सब नया प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्या बताएं आप सबको, प्लीज हेल्प कीजिए, क्या बताएं, प्लीज यार सब साथी सब हमको भी सपोर्ट कीजिए यार, क्या बताएं, हम भी आज बहुत दुखी है। जो बड़ा बड़ा स्टार है, भोजपुरी स्टार है, बॉलीवुड स्टार है, वो सबको आप सब सपोर्ट कर रहे हैं, जो गांव देहात का मैं एक लड़का हूँ, क्या हमारा दिल नहीं है। मैं सोच रहा था कि आप सभी हमको नया प्यार दिए देंगे, लेकिन आप सब नया प्यार दे रहे हैं, नहीं प्यार दे रहे हैं, क्या बताएं, लेकिन नया प्यार दीजिए, साथी सब प्लीज हमको भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमको भी आगे बढ़ाइए। मैं भी नेपाल में अभी टिकटॉक में तो मैं ट्रेंडिंग में हूँ, बहुत कसके वायरल हूँ, हमारा नाम एबीपी न्यूज़ पर भी आया था, जो इंडिया का भारत का सबसे बड़ा चैनल है उस पर भी एबीपी न्यूज़ पर आया था, और दूसरा चैनल NDTV इंडिया पर भी आया था, लेकिन प्लीज़ यार हमको भी सपोर्ट कीजिए, हमको भी थोड़ा आगे बढ़ाइए, क्या बताया। मैं अजय देवगन सर जी का मैं बहुत बड़ा बिग फैन हूँ, जो बॉलीवुड स्टार है, हिंदी उसको बहुत बड़ा बिग फैन हूँ, सर से खोज रहा हूँ, सर जी से थोड़ा भेंट कर दे, लेकिन कोई था पता नहीं लगता है, क्या करें, इतना आप सब अति हो गया है, कठोर हो गया है कि आप सभी हमको हेल्प नहीं कर रहे हैं। मैं इंसान नहीं हूँ, क्या है कि मैं एक मछली बेचने वाला आदमी हूँ, इसलिए आप सब हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मछली नहीं बेचूँगा, अपना बिजनेस नहीं व्यापार करूँगा तो मैं क्या खाऊँगा, बताइए। हमारा घर में भी फैमिली है, 4-5 बच्चा बच्ची भी है, माँ बाप भी है, दीदी है, क्या बताएं, आप सब नया प्यार नहीं दे रहे हैं तो क्या करें। अच्छा कोई बात नहीं, लगता है कि आज हम बहुत दुखी हूँ,
अभी YouTube वीडियो बनाते बनाते भी मन पूरा हो गया है। आप सब 4-5 महीना हो गया है मैं आप प्यार नहीं दे रहे हैं। मैं इतना दिन इतना रात इतना भूखे रह के अपन काम धंधा काट करके सुबह शाम वीडियो डालता हूँ, लेकिन आप सब हमारा वीडियो नहीं देख रहे हैं। प्लीज़ यार हमको भी वीडियो देखिए, हमको भी नया प्यार दीजिए। क्या बताया, लगता है कि हमको भी YouTube पर काम नहीं करना है। YouTube से हमको भी मन पूरा हो गया है। क्या हम इतना मेहनत इतना दिन से इतना सुबह शाम और काम धंधा काज करके बिजनेस व्यापार काज करके मैं YouTube वीडियो बनाता हूँ, लेकिन कोई भी आदमी है जो काम में लगा हुआ है काम में नहीं सफल मिलेगा तो क्या उसको मन में दुख नहीं होगा? ठीक नहीं दुखेगा कि जो हम वो काम कर रहे हैं जो कोई भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं उससे आमदनी नहीं आएगा तो दुख नहीं होगा आदमी को? इसीलिए लगता है कि अब YouTube से हमको मन पूरा हो गया है, नहीं नया प्यार मिल रहे हैं तो मैं YouTube बनाना ही छोड़ दूंगा। बस क्या करें, आप ही सब बताइए, मैं YouTube बनाना छोड़ दूं, हमारा वीडियो अच्छा नहीं रहता है? बताइए कैसा वीडियो बनाओ, कैसे बनाओ, किसके साथ में बनाओ, तो हमारा सपोर्ट कीजिएगा। बताइए, आप सब कमेंट भी नहीं बोल रहे हैं, कमेंट में भी नहीं बोल रहे हैं मैं कैसा वीडियो बनाऊँ, कैसा वीडियो आप सबको चाहिए? क्या कि अच्छा हमको कपड़ा नहीं रहता है कि अच्छा कपड़ा वाला चाहिए, कि मारधार वाला चाहिए, कि लेडीज वाला चाहिए, कि क्या चाहिए? कोई भी आदमी है इस दुनिया में स्वार्थी है, बस अपने के लिए मरते हैं। कम से कम भूखा हुआ आदमी को खाना खिला दे, ये तो अभी किसी का दिल में नहीं है। जो कोई भी गिरा हुआ है उसको भी आदमी को हेल्प बहुत किस्म से होती है। कोई भी चाहता है, कोई पैसा से होता है, पैसा से हेल्प नहीं होता है, पैसा दिल से होता है, प्यार से होता है। जो कोई भी आदमी है भूखा आदमी है उसको थोड़ा प्यार से बोल दीजिएगा, हेलो भाई कैसे हो क्या है, तो उतने पे अभी उसको आत्मा को शांति मिलता है। ये बात नहीं कि भूखा आदमी हो उसको खाना दे दे तो खाना से आदमी सुखी नहीं रहता है और अथी नहीं होता है। प्लीज साथी सब क्या बताएं, आप सब कहिए मैं YouTube बनाना ही छोड़ दूँ? आप सब नहीं मैं प्यार दे रहे तो क्या करें? प्लीज़ यार हेल्प मी। देखिए मैंने लगभग 100 मैंने वीडियो डाल दिया, 100 क्या कि 100 वीडियो को भी महत्व रहता है। जो रोज़ में एक वीडियो डालता हूँ, कभी दो भी डाल देता हूँ, लेकिन क्या आप सबको मैं आप प्यार पाने के लिए, लेकिन आप सब बताइए 100 वीडियो डालने में कम से कम कितना टाइम लगा होगा, कितना टाइम बर्बाद हुआ होगा, आप सब बताइए बताइए साथी सब कि अच्छा नहीं हमारा वीडियो लग रहे हैं हमारा भी। आप सब कमेंट में भी बोल सकते हैं, लाइक में भी बोल सकते हैं कि आप यूट्यूबर नहीं बन सकते हैं, यूट्यूब पर मत काम कीजिए। क्या यूट्यूब पर सिर्फ धनी आदमी को, अमीर आदमी को भी चिन्हा जाता है, गरीब आदमी को कोई नहीं चिन्हता है? ये भी तो आप सब कह सकते हैं ना। प्लीज आज मैं बहुत दुखी हूँ, लगता है कि मैं आज से यूट्यूब चैनल पे नहीं काम करूँगा। क्या बताएं, बनाते बनाते यार हमको भी थक गया है। कभी कभी आता हूँ बिजनेस व्यापार में से तो लगभग 10 रात को पुकता हूँ, कभी 11, कभी 12, कभी 8, लेकिन वीडियो मैं नहीं छोड़ता हूँ, लेट सेट में वीडियो डालता ही रहता हूँ, लेकिन क्या करें आप सभी दीजिए यार। क्या बताएं, देखिए अभी सुबह का लगभग 7-8 रहे हैं, लेकिन हमको कोई अति नहीं है,
कोई सपोर्ट नहीं है, प्लीज़ यार आप सब कैसे बताए, कैसे वीडियो डाले यार। कोई भी गरीब आदमी को भी थी एम कि आप सब कह दीजिए आप मछली बेचने वाले हैं, क्या तुम मछली बेचने वाले हैं, तुम मछली बेचने के काबिल हो, तुम यूट्यूब चैनल पर काम नहीं करो, आप सब बताइए कि तो मैं यूट्यूबर नहीं बनना चाहता हूँ, किसका दिल में नहीं रहता है कि थोड़ा भी एक रोटी को व्यवस्था हो जाए, क्या बताएं आप सब। मैं कम दुख से मैं यूट्यूब बनाता हूँ, अपना फैमिली के छोड़ के जो हमारा चार बच्चा बच्ची भी है, माँ बाप भी है और फैमिली है, उसको भी पढ़ाई लिखाई, हमारा खेत बाड़ी नहीं है। आप सब देख रहे होंगे वीडियो में कि कपड़ा लगा है, कोट कोट सूट लगा है, लेकिन क्या बताएं मैं बहुत गरीब हूँ, प्लीज़ यार हमको भी सपोर्ट कीजिए। कितना कितना आदमी कहाँ से कहाँ भाग गए यूट्यूब चैनल पर, लेकिन क्या करें। आप सब देख रहे होंगे कि अजय देवगन है, मैं अजय देवगन नहीं हूँ, मैं एक मछली बेचने वाला हूँ, एक मजदूरी करने वाला हूँ, एक मैं भीख मांग के खाने वाला हूँ, इसलिए आप सब मैं प्यार नहीं दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, साथी सब हमको भी मैं प्यार नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, मैं आज से यूट्यूब वीडियो बनाना ही छोड़ दूँगा। आप सब जिसका मैं प्यार दे रहे हैं उसको मैं प्यार दीजिए, अब क्या करें, हमको भी यूट्यूब से मन पूरा हो गया है। यानी बताइए कोई भी आप मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उससे आपको एक रोटी खाने के लिए नहीं मिलेगा तो आपको मन लगेगा, मेहनत मजदूरी करने में मन लगेगा। बताइए 5 महीना हो गया, 6 महीना फर्क हुएगा, लेकिन प्लीज़ यार हमको भी थोड़ा हेल्प कीजिए प्लीज़, क्या बताए। तो ठीक है आप सब वीडियो देखिए, इसके बाद में मैं यूट्यूब पे नहीं काम करूँगा, बस मैं एक मछली बेचने वाला हूँ, हमारा दिल नहीं है, हमारा क्या बताए, बोलते बोलते तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है, प्लीज़ यार हमको भी सपोर्ट कीजिए हेल्प, क्या बात है। यही होता लेडीज होता और भारी आदमी होता, भारी बड़े घर का आदमी होता तो आप सब बहुत अच्छे होते। अभी के ज़माना में जो सब चीज़ बना हुआ है उसको भी आदमी सब सपोर्ट करता है, लेकिन गरीब आदमी को कोई नहीं सपोर्ट करता है, बताइए। बताइए आप सब नहीं बोल सकते हैं क्या, कमेंट में नहीं बोल सकते हैं क्या बात है। ठीक है आप सब वीडियो देखिए, आप सब ये लास्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सब मैं प्यार देना है तो दीजिए, नहीं तो हमसे दुश्मनी है तो कह दीजिए कि तू यूट्यूबर नहीं बन सकते हो, तुम छोटा आदमी है, छोटा ही आदमी रहोगे, तुम्हारा पहचान कोई नहीं है। अपनी के ज़माना में जो गरीब आदमी होता है उसको इज्जत लक्ष्मी में लगा कर टंगा जाता है, वही आप सब चाहते हैं तो चाहिए। आप सब देखिए मैं बहुत दुखी हुआ आज, ऐसा मैंने वीडियो नहीं डाला था लेकिन आज मैं डाल रहा हूँ, प्लीज़ यार क्या बताया। प्लीज यार प्लीज, जो बड़े बड़े स्टार है तो उसको भी कैसा भी वीडियो डाल देता है तो उसको वायरल हो जाता है, लेकिन गरीब आदमी एक मछली बेचने वाला आदमी को कोई भी नहीं विश्वास करता है। इसलिए कहा जाता है जो खाया हुआ आदमी है उसी को खाना मिलता है, भूखा आदमी को खाना नहीं मिलता है। इस दुनिया में इज्जत नहीं है, गरीब आदमी का कोई इज्जत नहीं है, मैं अपना पे बोल रहा हूँ, गरीब आदमी का कोई इज्जत नहीं है, क्या मैं क्या बताऊँ, आप बताइए ना कैसे वीडियो बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्या खाऊँ, हमको भी चार बच्चा बच्ची है, फैमिली है, वाइफ है, पत्नी है, माँ बाप है, तो गरीब आदमी क्या किया जाए।
जब तक नहीं कमाएगा तो क्या खाएगा बताइए आप सब, प्लीज़ आप सबको भी हमको भी थोड़ा देखिए, हमको मैं यहाँ पे आ गई है क्या बताए। ठीक है आप सबको भी हमको वीडियो देख के यूट्यूब वीडियो देख के आपको भी मन पूरा हो गया होगा तो बोलिए। हम कह रहे थे कि मैं नेपाल की रहने वाला हूँ, नेपाली का जगह बनूँ, मैं नेपाल को भी सफल भी हमको मिलता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं सर जी का भी फैन हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ प्लीज़ यार हमको भी सपोर्ट, क्या करें अब। मैं क्या बताऊँ, मैं भी अब छूटना चाहता हूँ, क्या बताओ, बैठे बैठे हुए भी दिमाग नहीं लगता है, इतना मैं कस के मेहनत किया हूँ यूट्यूब पे, लेकिन इतना टाइम मैंने दूसरा अपन बिजनेस व्यापार में करता तो एक रोटी खाने के लिए बहुत पैसा भी आ जाता, माँ बाप भी बोलता है क्या तू पागल हो गया है, क्या यूट्यूब तुम्हारे तुमको क्या देगा, कितना दिन तूने मछली बेचने नहीं दिया है, क्या तुम्हारा बाल बच्चा क्या खाएगा। माँ बाप भी बहुत खिसी आता है, बहुत बुरा मानता है, जो तुमको यूट्यूब बनाना है वीडियो बनाना है तो बना, तू अपना बाल बच्चा को देख, तू अच्छा आदमी नहीं है, इससे पहले तू यूट्यूब वीडियो बनाने से पहले तू कितना अच्छा बिजनेस व्यापार कर रहा था, मछली बेच रहा था, हमको भी दुख नहीं था, तो बार बार यूट्यूब वीडियो बना रहा है, हमको भी दिक्कत हो रहा है, क्या पुरानिया हो गया है, मैं इतना पुरानिया हो गया हूँ, हमारा माँ बाप भी पुरानिया हो गया है, वो कहता है तू बनाना है तो बना, मैं तेरे को कितना समझाऊँ, लेकिन तू मानने वाला नहीं है। एक दिन बनाते बनाते वीडियो क्योंकि इतना नौबत आएगा कि तुम्हारा बेटा बेटी बच्चा बच्ची भी तुमको माया नहीं लगता है, तू सिर्फ वीडियो ही बनाता है, इससे अच्छा होता कि मैं घर से चला जाऊँ, मेरा माँ बाप बोलता है तुम्हारे ये कटू देख के लगता है कि मैं भी घर से चला जाऊँ, वो भी बोलता है कि मैंने क्या, इससे अच्छा होता कि तू मर जाते वही अच्छा होता कि हमारे आत्मा को संतोष मिल जाता, कि तू तुमसे हमारे से एक पैसा का आमदनी नहीं है, एक दिन बच जाता हूँ तो सब बचा बची है ना, भूखे रहने लगता है और बहुत दिक्कत होता है, क्या बताए। उधर माँ बाप से भी बोली सुन रहे हैं, उधर बीवी से भी बोली सुन रहे हैं, सर समाज से सुन रहे हैं, क्या तू पागल हो गया है क्या रे, तू दिन रात खाली वीडियो ही बनाता है और वीडियो बनाता ही रहेगा। हेलो साथी सर, प्लीज़ हेल्प मी, लास्ट वीडियो है, मैं यूट्यूब नहीं बनाऊंगा, हमारा फैमिली से भी दबाव हो गया है और सब आदमी से भी दबाव हो गया है, क्या करें साथी सब, प्लीज़ आप सभी हमको सपोर्ट दीजिए, मैं यूट्यूब छोड़ने वाला हूँ, ये लास्ट वीडियो है, आप सब मैं आप याद दीजिए, मैं घर से भी गाली खा रहा हूँ, बीवी से भी बोली सुन रहा हूँ, माँ बाप से भी बोली सुन रहा हूँ, किसके लिए, आप सबको मैं यहाँ प्यार दें पाने के लिए, लेकिन आपके सब नहीं मैं यहाँ प्यार दे रहे तो क्या करूँ बताइए आप सब, प्लीज हेल्प मी, कि बताइए मैं लास्ट में क्या बोलना चाहता हूँ, आप सभी हमको भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, नहीं तो हमसे भी मन पूरा हो गया, आप सबको यूट्यूब पे तो कह दीजिए तुम यूट्यूब वीडियो मत बनाओ, तुम यूट्यूबर नहीं बन सकते हो, जो गरीब आदमी है एक मछली बेचने वाले है, तुम मछली बेच गा तुझसे कुछ नहीं होने वाला है, तो मैं भी आज के बाद मैंने यूट्यूब वीडियो बनाना ही छोड़ दूँगा, प्लीज मैं आप सबको कह पाता हूँ प्लीज यार हमको भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए यार, आपको नहीं माया लगता है, नहीं तो कह दीजिए आप मैं दुनिया से भी चला जाऊँ। सहसा को वीडियो डालने में देखिए कितना कठिन होता है, कितना दिक्कत होता है, एडिटिंग करना पड़ता है, पोस्ट करना पड़ता है, कौन टाइम में मैं खाता हूँ क्या पीता हूँ
लेकिन आप सबको कुछ समझ में नहीं आता। देखिए कम से कम 100 को वीडियो डालने को बाद आदमी को माया नहीं माया प्यार नहीं मिलेगा। तो आप ही सब बताइए यूट्यूब वीडियो पर कितना दुख होगा, बताइए कितना महसूस होगा। आए 100 को वीडियो ना होता है, 100 को वीडियो डालने के भी बाद माया प्यार नहीं मिलेगा तो आदमी को चीट नहीं दिखेगा, चीट नहीं फटेगा, बताइए आप सब बताइए क्या बता। इसीलिए मैं आप सबको लीजिए हमको भी देख लीजिए, नहीं तो आप सबसे मैं छूटना चाहता हूँ। फ्रेंड सब लीजिए मैं हमारा से आप सबको एलियन सबको मन पूरा हो गया है तो हम भी यूट्यूब वीडियो बनाना ही छोड़ देंगे आज के बाद। प्लीज मैं छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं साथी सब से हाय किया, मैं गुड बाय भी करना चाहता हूँ। प्लीज़ साथी सब हेल्प कीजिए, नहीं तो आज के बाद मैं वीडियो यूट्यूब पर नहीं डालूँगा, मैं यूट्यूब छोड़ दूँगा, अपना मछली बेचूँगा। अब मछली बेच के अपना ही बच्चा बच्ची को माँ बाप को खिलाऊँगा और गुजारा करूँगा। मैं आप सबसे छूटना चाहता हूँ, प्लीज़ गुड बाय। सब साथी को नमस्ते नमस्कार।